हमें आभास हो रहा है कि विपदा तो हमारे समक्ष आकर ही रहेगी। असुर गुरु शुक्राचार्य हमें इसी पर्वत पर मिलेंगे। इस पर्वत के शिखर पर मैं ही लेके जाऊंगा तुम्हें, असुर गुरु शुक्राचार्य। मेरा जलंधर का वध करना कहां उचित होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता महेश्वरी। नहीं पिताश्री। जिसका जन्म ही संकटमयी है उसे बढ़ने देना कदापि उचित नहीं। सर्वथा उचित है माँ का सुझाव। कृपया आप जलंधर का वध कर संसार को इस भावी संकट से मुक्त कराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिताश्री, ऋषिवर अगस्ती ने मुझे बताया कि जलंधर अब अकेला नहीं, एक और कुटिल कपटी शक्ति जुड़ गई है उसके साथ। हाँ पिताश्री, जलंधर से उत्पन्न संकट और भी विकराल रूप धारण कर रहा है, फिर भी आप उसका अंत क्यों नहीं करना चाहते पिताश्री? अब आपने विलंब किए तो संसार का अनिष्ट हो सकता है स्वामी। पिताजी, इस संकट को तो आप यही रोक सकते हैं। यह अन्याय होगा। जब तक जलंधर सृष्टि के प्रति कोई बड़ा अपराध नहीं करता, मैं उसे कैसे दंडित कर सकता हूं? मानव, दानव, देव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। बात मात्र अच्छाई और बुराई की नहीं। जलंधर का वध मात्र इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जन्म एक विशेष परिस्थिति में प्रकृति के विरुद्ध जाकर हुआ है। मैं सबको पर्याप्त अवसर देता हूं कि वो सत्य के मार्ग पर चले, किंतु अपने अवसर का दुरुपयोग करने वाले, निरंतर पाप करने वाले अतः स्वयं का ही अंत करते हैं। किंतु यदि उसने इस अवसर का उचित लाभ उठाया तो मुझे जगत पिता होने के नाते उसे सन्मार्ग पर चलने का अवसर तो देना ही होगा। यद्यपि उसकी नियति विनाशकारी है, किंतु यदि उसने अपनी इच्छा शक्ति से नियति को परिवर्तित कर धर्म और भक्ति का मार्ग चुना तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी के भावी पापों की आशंका से उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अभी किसी का अंत कदापि नहीं कर सकता। किसी के साथ अन्याय कदापि नहीं करूंगा, चाहे वो जलंधर ही क्यों ना हो। पिताश्री निर्णय ले चुके हैं तो आप प्रतीक्षा करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। कहीं महादेव के इस धर्मोचित व्यवहार के कारण कोई बड़ा संकट ना उत्पन्न हो जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने दक्षिण को अकाल मुक्त किया और ऋषिवर के कमंडल से कावेरी नदी को मुक्त कर आपने दक्षिण वासियों के साथ साथ हम पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके आभारी हैं। इसमें उपकार कैसा देवराज, वो तो मेरा परम कर्तव्य था। मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि अंततः ऋषि अगस्ती ने भी अपना मोह त्याग कर जन कल्याण में धर्म का साथ दिया। किंतु गणेश जी, मेरा कर्तव्य मुझे स्वर्ग लोक बुला रहा है।
आप सभी से अनुरोध, आप मुझे यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दें। प्रणाम। देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दें। पुत्र गणेश, आने वाले संकट के प्रति जागरूक रहकर उसके प्रति सभी को सावधान करना हमारा कर्तव्य था, जिसका निर्वाह हम कर चुके हैं। किंतु महादेव ने कहा है हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित होगा, वही हमें करना है। कदाचित जलंधर कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग का ही चुनाव करें। उचित है फूफा जी, चाहता तो मैं भी हूँ कि ऐसा ही हो, किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एक बार पुनः पिताश्री से बात करनी चाहिए। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम मामा जी। उचित कहते हैं पिताश्री, भविष्य में कौन कैसा व्यवहार करेगा कौन जानता है, किंतु दुष्ट की दुष्टता के प्रति सचेत रहना भी तो हमारा कर्तव्य है, उसमें असावधानी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, असुर गुरु शुक्राचार्य हमें इसी पर्वत पर मिलेंगे। किंतु ये कठिन चढ़ाई पार कर हम उस शिखर तक पहुंचेंगे कैसे? सर्वश्रेष्ठ जलंधर है तुम्हारे साथ, फिर भी चिंता कर रही हूं। कठिन को सरल बनाना आता है मुझे। चलो वृंदा, चिंता त्यागो और मेरी पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ जलंधर ले जाएगा तुम्हें इस पर्वत के शिखर पर। उचित है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ जलंधर के मार्ग में आएगा, वो कितनी भी ऊंचाई पर स्थित क्यों ना हो, मेरे समक्ष झुकने पर विवश हो जाएगा। सागर की अतल गहराई को नाप चुका हूं मैं, अब इस पर्वत की गगनचुंबी ऊंचाई की बारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ पर, कुछ नहीं होने देंगे मुझे। कुछ पर्वत कोई नहीं गिरा सकता सर्वश्रेष्ठ जलंधर को। ऐसी कोई बाधा नहीं जो सर्वश्रेष्ठ जलंधर को रोक सके। इस तुच्छ पर्वत का इतना दुस्साहस जो मेरे पथ में बाधा बने।
मुझे चकड़े रहना वृंदा। अवश्य मेरे बलश्रेष्ठ। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मेरा भार वाहन कर आप अपनी कठिनाई क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं आपका अनुसरण कर आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। नहीं वृंदा, मेरी पत्नी हो तुम। तुमने मुझे असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुझाव देकर मेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, तो अब मैं तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस पर्वत के शिखर पर मैं ही लेके जाऊंगा तुम्हें। मुझे विश्वास है अपने बल श्रेष्ठ पर, वो हमें गिरने नहीं देंगे। श्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जो चाहता हूं वो करके दिखाता हूं। प्रणाम पिताश्री। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं आपसे वाद विवाद करने की दृष्टि तक कदापि नहीं कर सकता। आपकी मान्यता है कि अवसर तो सबको प्राप्त होना चाहिए, वो तो ज्ञात है मुझे पिताश्री। और ये भी ज्ञात है कि अभी तक जलंधर ने किसी को हानि भी नहीं पहुंचाई है, किंतु जब से आपकी क्रोधाग्नि सागर में गिरी है, तभी से फूफा जी ब्रह्मदेव को संकट का पूर्वाभास हो रहा है। ऋषिवर अगस्त्य को भी भावी अनिष्ट का भान हुआ है पिताश्री, तो क्या इसके पश्चात भी हमें सावधान नहीं रहना चाहिए? सावधान रहना उचित होगा गणेश, किंतु पूर्वाभास के आधार पर किसी को दंडित करना योजित नहीं। पिताश्री, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि दंड का अधिकारी तो अपराधी ही होता है, किंतु जलंधर की आसुरी प्रवृत्ति भी हमसे छिपी नहीं, जिसका अर्थ है उसका झुकाव अवश्य अधर्म की ओर ही होगा। और वो जब कोई ऐसा अपराध करेगा तो उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा, किंतु अभी हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित है। गणेश, विपदा जब अपना शीश उठाएगी, हमें उसको मिटाने का उपाय भी अवश्य प्राप्त होगा। पिताश्री, नियति की अपार शक्ति को तो महानतम ऋषि और तपस्वी भी नहीं नकार पाते, फिर जलंधर तो एक असुर मात्र है। आप कहते हैं कि विपदा आएगी तब उसका समाधान ढूंढेंगे हम, किंतु पिताश्री मुझे आभास हो रहा है कि विपदा तो हमारे समक्ष आकर ही रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
वृंदा, कहाँ है तुम्हारे असुर गुरु शुक्राचार्य? ओम नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ असुर गुरु शुक्राचार्य। ओम नमः शिवाय। असुर गुरु वहां ध्यान मग्न है। ओम नमः शिवाय। ये व्यर्थ के ध्यान में अपना समय गंवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। असुर गुरु शुक्राचार्य। असुर गुरु शुक्राचार्य। असुर गुरु शुक्राचार्य। आराध्य महादेव, आप स्वयं यहां। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। बड़ा छलावा, वो भी मेरे असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ महादेव का रूप धारण करिए। जो भी है ये, मेरे साथ इसका ये प्रयास उचित नहीं। आप ही हैं वो असुर गुरु शुक्राचार्य जिनकी महिमा का गुणगान करते मेरी पत्नी की जीवा नहीं थकती। असुर गुरु, मैं वृंदा हूं और ये मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जलंधर। हम आपके पास यहां मार्गदर्शन के लिए आए हैं। अवश्य लेंगे मार्गदर्शन, किंतु सर्वप्रथम मुझे ये बताइए कि असुर गुरु आपने मुझे महादेव कह के संबोधित क्यों किया? क्या मैं महादेव के समान दिखाई देता हूँ? यदि इसके मुख पर इन चिन्हों का विकार न होता तो कोई इसमें और महादेव में भेद ही नहीं कर पाता, कदाचित मैं भी नहीं। कौन है ये पाखंडी? मुझे महादेव पुकारा इन्होंने मेरे समक्ष, हाथ जोड़कर नतमस्तक थे असुर गुरु, और अभी भी मुझे देखकर स्तंभ खड़े हैं। क्या इसका कारण? समझा। उत्तम, अति उत्तम।
वृंदा, उचित कहा था तुमने। असुर गुरु शुक्राचार्य हमें संसार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे। हाँ मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, किंतु असुर गुरु ने तो अभी तक हमसे कुछ कहा भी नहीं। तो जितना वो कह चुके पर्याप्त है मेरे लिए। समस्त संसार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग ज्ञात करने आया था आपके पास, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, किंतु वो तो मुझे स्वयं ही सूझ गया। आपने मुझे महादेव पुकार कर उपाय सिझा दिया। नवीन शिव बनकर संसार के समक्ष आऊंगा, नवीन भगवान बनूंगा, और भगवान स्थापित होते ही संभवतः संपूर्ण संसार मेरे अधीन हो जाएगा। नवीन भगवान होंगे मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ। हाँ उचित ही तो है, बलशाली है, बुद्धिमान है, साहसी है, सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान होने के सर्वथा योग्य है ये। विनाशकाली विपरीत बुद्धि बल के अहंकार में आकर स्वयं को भगवान तुल्य समझने वाला गर्त की ओर जाता है।